हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टोवक्राफ्ट आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये आईपीओ आपका आज यानी 25 जनवरी को ओपन हुआ है और आज इसके सब्सक्रिप्शन का पहला दिन है। पहले दिन ये आईपीओ आपका ऑलमोस्ट फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है और पहले दिन ओवरऑल ये आईपीओ आपका 0.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आगे हम इस वीडियो में इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ ग्रे मार्केट यानी डब्बा बाजार में इस आईपीओ का कैसा डिमांड है वो भी हम देखेंगे और इसका ग्रे मार्केट प्राइस या प्रीमियम कितना है वो भी हम देखेंगे। और अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि आईपीओ आपको लिस्टिंग गेंस देगा या फिर नहीं देगा, उस पर भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने स्टोवक्राफ्ट आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। इसके लिए आपको एक वेबसाइट equity2community.in ओपन करना। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ दिखेगा और उसके बगल में होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ दिखेगा और होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ आज यानी 25 जनवरी को क्लोज हो गया है। तो इन सारे आईपीओ के बारे में डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी पे मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं हमने IRFC आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात किया है कि लिस्टिंग डे इस आईपीओ में क्या करना है। तो लेटेस्ट आईपीओ अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टोवक्राफ्ट आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आईपीओ आज यानी 25 जनवरी को ओपन हुआ है और 28 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अब प्राइस बैंड है 385 रुपीज पर शेयर और लॉट साइज इसका 38 शेयर्स का। तो चलिए अब हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोवक्राफ्ट आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है एज ऑन 25 जनवरी टिल 5 PM। पहले दिन QIB और NIF जनरली मार्केट में एंट्री नहीं करते, वो आपका तीसरे दिन मार्केट में एंट्री करते हैं। तो पहले दिन हम रिटेल पे फोकस करते हैं। तो पहले दिन इसका रिटेल पोर्शन 5.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन तो काफी बम्पर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिटेल पोर्शन का कोटा सिर्फ 10% ही है। जनरली रिटेल पोर्शन का कोटा आपका 35% रहता है, लेकिन यहाँ पे रिटेल पोर्शन का कोटा सिर्फ 10% दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आपको रिटेल पोर्शन में सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। और ओवरऑल ये आपका आईपीओ 0.99 टाइम्स यानी बोल सकते हैं कि पहले दिन ये आपका 100% सब्सक्राइब हो गया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें और रिसेंट टाइम्स में जो आईपीओ आया उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें पुअर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो सब्सक्रिप्शन तो उतना जबरदस्त नहीं है। तो क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेंस देगा या फिर नहीं देगा, और लिस्टिंग गेंस देगा तो कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है इस आईपीओ से, चलिए अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम स्टोवक्राफ्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली अपडेट हो रहा है। तो डेली आप हमारे वेबसाइट equity2community.in पे विजिट करके स्टोवक्राफ्ट आईपीओ और जो आईपीओ ओपन है उन सबका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो सैटरडे यानी 23 जनवरी को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 80 से 90 रुपीज पर शेयर्स। आज यानी 25 जनवरी को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 70 से 80 रुपीज पर शेयर्स। तो ये आईपीओ आपको कितना लिस्टिंग गेंस दे सकता है उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इंटू लॉट साइज कर दे। तो इसका लॉट साइज है 38, यहाँ पे 70 × 38 कर दे। तो ये आईपीओ आपका 2500 के करीब लिस्टिंग गेंस देता हुआ दिख रहा है एज ऑन 25 जनवरी 2021। तो इस आईपीओ से भी आप ज्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीद ना करें, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल्स है और जो वैल्यूएशंस है वो उतना बेहतरीन नहीं है। वैल्यूएशंस भी इसका अच्छा नहीं है और फाइनेंशियल्स भी इसका अच्छा नहीं है। तो ये सब देखते हुए ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो फिर आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी रिस्की आईपीओ है और इस आईपीओ से आपको 2000 to 3000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका निगेटिव लिस्टिंग भी दे सकता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि चाहे आप लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, दोनों लिहाज से ये आईपीओ काफी ज्यादा रिस्की है। और अगर आप रिस्क लेने को तैयार है तभी आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं और दूसरे जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो अपना एप्लीकेशन विदड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।